हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरोही सिंह। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज आप लोग सोच रहे होगे ना, दीदी ने आज कुछ अलग तरीके से व्लॉग स्टार्ट करा है। मुझे ना दो तीन लोगों ने डीएम करा कि दीदी आप जो जो करते हो ना सारी चीज़ें शेयर करा करो। सो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई है ये सभी लोगों को बताया जाए और दिखाया जाए। सो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है कपड़े धोते धोते, बिकॉज जो मुझे हल्दी पे पहनना था एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं भूल गई उसको वॉश करना और वो गंदा हो रहा था। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो सूट वॉश कर रही हूँ। वॉश मैं कर चुकी हूँ, मैं ड्रायर कर रही हूँ। सो मैंने ड्राई करा अपना सूट और यार पता है मेरी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत प्यारे हैं सब लोग। तो छोटी वाली बहन ने ना प्रेस कर दिया फटाफट से कि चलो जल्दी जल्दी से प्रेस कर दूँगी। तो मतलब मैंने सोचा कि चलो अपना टाइम बचेगा, इतने में नहाऊँगी, इतने बहन प्रेस करके दे देगी मेरे को। फिर उसने मेरे को प्रेस करके दे दिया। यहाँ मैं उठी, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने गर्म पानी पिया था और अपने ड्राई फ्रूट्स खाए थे। फिर मैंने ब्रश वगैरह करा, फेस वॉश करा, इतने मेरा पानी गर्म हो रहा था, इतने मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो रूम क्लीन करते हुए का नहीं दिखाया क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था। फिर मैंने फटाफट से अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज लगाया। और आज है कुमकुम की हल्दी, सो आज हम जाएंगे कुमकुम की हल्दी में। सो यहाँ मैं एक साथ दो दो काम कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। चूड़ियाँ पहना दी और कंगना भी चढ़ गया। कंगना भी चढ़ेगा। अच्छा, सिर्फ कलावा पहनाया है? देखो कौन पहनाता है। अच्छा, मेरी पूजा भी हो गई और ये रहा हमारा हल्दी। अब बोल दिया ना आ जाना। हाँ, वो तो खोलिए, रिंकी घर बोला। मम्मी और दीदी आ रहे हैं। हो तो गए आप आज? अच्छा, आप नहीं लगाओगे? मैं नहीं लगाऊंगी, इसके बदले सुनता लगा दी, मैं बाद में किसी और को कर लूंगी। दीदी ब्लॉग में बोल भी लो, एक जना भी पांच बार लगा डालो। ये बोलो बोल के डालो बस। हल्का है तो मैं एक ही जगह पूरा सब पहना रही है। गाइस आप लोगों को पता है कुमकुम इकलौती है और एक उसका भाई है, मतलब बहन में से ये इकलौती है और एक इसका भाई है। सो इसकी कोई बहन नहीं है। सो मैं इसकी बहन भी हूँ, मैं इसकी दोस्त भी हूँ, मतलब हमारा बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। मेरी लाइफ में दो ही फ्रेंड्स हैं मेरे फीमेल में, एक आदिति है जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज़ है और एक कुमकुम है जो मेरे क्लोज़ है। बस बाकी तो मुझे नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड्स लगते हैं सारे, क्लोज़ वाली चीज़ें नहीं हैं किसी के साथ। सो यहाँ पे मैं इसको ये सारी ज्वेलरी पहना रही हूँ जो हम इसकी हल्दी के लिए इसके ससुराल से आई है और ये बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम क्यूट सा बच्चा लग रहा था ये सच में। मतलब मैं इसको जितना प्यार करूँ ना उतना कम, बहुत प्यारी लग रही थी ये। सो यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है, बिच बात हो गई थी तो मुझे वॉइस ओवर करते करते हंसी आ गई। सो गाइज बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को प्यार दो, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। कल है हमारी मेहंदी, सो मेहंदी का व्लॉग भी ज़रूर 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 आएगा और मैं क्या आउटफिट पहन रही हूँ, मैं कहाँ से रेडी होंगी, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगी। और यहाँ पे कुमकुम मुझे बिना रही है क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम ये येलो येलो ऐसा पहनेंगे, येलो ज्वेलरी पहनेंगे हम दोनों तरी हल्दी पे। सो यहाँ पे ये मेरे को पहना रही है क्योंकि मैं घर से पहन के नहीं आई थी, फिर इसने मेरे को ढीला पहना दिया था, फिर मैंने कहा रुक थोड़ा ऊपर करके पहना अच्छे से। वीडियो बना दो कोई। हाँ मैं बना, चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइस हल्दी का मुहूर्त थोड़ा सा जल्दी था कि जिस वजह से दीदी भी तैयार नहीं हो पाई थी क्योंकि दीदी फिर घर के काम भी कर रही थी। सो यहाँ पे दीदी ने फिर भी हल्दी लगा दी, जैसे जैसे आंटी बता रही थी वैसे वैसे दीदी ने हल्दी लगा दी। सो यहाँ तेल चढ़ गया, यहाँ पे कंगना बंध गया और हल्दी लग गई। बहुत प्यारी लग रही थी हल्दी चढ़ने के बाद, लगने के बाद बहुत प्यारा फेस पे एक ग्लो आ गया था। और ना गाइज अभी व्लॉग में आप लोग देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ होने वाली है, सब लोगों ने मुझे बहुत गंदा डराया, सो ज़रूर देखना आप लोग। ऑन कर
कर दिया ना अपनी वाली नहीं हाँ लगा दे कभी आते आओ जाए जल्दी से अपनी लगाओगे अच्छी वाली कटोरी अच्छी वाली रेनबो गंदे हो जाएगी अरे नहीं मेकअप कराना है मुझे भी तो सांस के अंदर में ये भी जाएगी वो ठीक कर सांस के अंदर बस कुमकुम बस है? साल के अंदर ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है अब तेरी हल्दी लगी नहीं तेरी शादी निश्चिंत है भाग हमारे घर से इसको कह रहे तो गया लगा दी दीदी तू ना सही तो ये भी ना सही मैं तेरे पीछे पीछे हूँ हो गया ना गाइज मेरे को सब लोग डराने लग गए कि जो दुल्हन होती है ना उसकी हल्दी अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा भी लगन बहुत जल्दी चढ़ जाता है मुझे नहीं करनी है अभी शादी कोई बचा लो मुझे तो उनका ऐसा लग रहा है ऐसे हल्दी शल्दी लगवा के अच्छा लग रहा है और एकदम तो शांत कैसे हो गया अभी तक तो गाइज हल्दी लग चुकी है हमारी बन्नों को आप लोग देख सकते हो और आई मिस यू सही में जैसे जैसे हल्दी लग रही थी मैं उदास हो रही थी मैं सही रहा और गाइस जिस जो रील हमने आपको लास्ट ब्लॉग में बताई थी ना कि हमको बनाना है वैसे उसका हमने हल्दी वाला भी पूरा कर लिया वो जो राउंड वाला था वो पूरा हो चुका है फाइनल रील शादी में दिखेगी आपको ये निकल रहा है बार बार यार वो लगानी पड़ेगी डबल साइड टेप तब जाके अच्छे से हाँ तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे हल्दी लगा दिए देख लो गाइस किसी शादी पे जल्दी जल्दी इसलिए नहीं करनी यार जल्दी क्या चाह रहे हो तुम लगाना देख रहे हो गाइस कैसे कह रही है गाइस बहुत काम होता है शादी वाले घर में सच में मानना पड़ेगा ये चीज बहुत काम होता है शादी वाले गाइस आ गई मैं अपने घर अब मैं जा रही हूँ चेंज करने मेरा ना बहुत अजीब सा मन हो रहा है वॉमिट जैसा मैं जा रही हूँ चेंज करके फिर जाऊँगी मैं पार्लर जो वैक्स वगैरह कराना है क्योंकि अजीब सा मन हो रहा है बिल्कुल चलते हैं फिर पार्लर फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्या आऊँ मैं सो गाइस कुमकुम का लगन चला गया और अब कुमकुम बेचारी कह रही है सब इंजॉय कर रहे हैं पार्टी में गए और हम घर पर हैं इसकी वजह से ना गाइस मैं भी यहीं पर हूँ घर पे कोई नहीं है गाइस घर पे कोई नहीं है सब चले गए हैं बस हम हैं और दादियाँ बस बाकी सब लोग गए हैं लगन में पार्टी हो रही है वहाँ पे और यहाँ हम हलवाइयों की खुशबू सूंघ रहे हैं खाना बन रहा है सामने मतलब बाहर की साइड और हम दोनों अकेले हैं बस काट दूंगी चलो गाइस आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मेहंदी वाले ब्लॉग में तब तक के लिए सबको बाय बाय गुड नाइट टेक केयर हैप्पी मैरिड लाइफ